नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी। यूपीएसएससी अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती निकालेगा। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती। अक्टूबर के पहले हफ्ते में भर्ती के लिए विज्ञापन निकलेगा। तो रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम। प्रदेश में करीब 7000 पदों पर होगी लेखपाल की भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार लगातार जारी है। इसी क्रम में 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जाएगी। यूपीएसएससी अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती निकालेगा। रोजगार के मुद्दे पर लगातार सियासत होती रहती है, वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ 7000 पदों पर लेखपाल की भर्ती निकालेगा। खबर बढ़ते आगे, दिल्ली में नए सीएम पर हलचल तेज। केजरीवाल से सिसोदिया की मुलाकात। आज शाम आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक। केजरीवाल के घर पहुंचे राघव चड्ढा। सीएम की रेस में सुनीता केजरीवाल, आतिशी का नाम, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। तो जब से जेल से बाहर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तभी से दिल्ली की राजनीति का तापमान हाई हो चुका है और अब बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे। वहीं अब केजरीवाल के घर पर राघव चड्ढा भी पहुंच चुके हैं। आज शाम आपके पीएसी की बैठक होगी। खबरें बढ़ते आगे, सुल्तानपुर से बड़ी खबर। मंगेश के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपीएसटीएफ से मुठभेड़ में ढेर हुआ था मंगेश यादव। 10 दिन बीत गए हैं, परिवार को नहीं मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वकील गजेंद्र यादव ने पत्र भी लिखा है। डीजीपी को पत्र लिखकर फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार हमलावर है और ऐसे में सुल्तानपुर के मंगेश यादव एनकाउंटर को सच बताने के लिए डीजीपी के साथ अन्य अधिकारियों ने लखनऊ में प्रेस ब्रीफिंग भी की थी, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसके बाद से ही परिवार वालों में आक्रोश है। इसको लेकर बता दें, 5 सितंबर को कोतवाली देहात के मिश्रपुर पुरैना में यूपीएसटीएफ ने भरत जी सोनी सराफ के यहां हुई करोड़ों की डकैती में फरार 1 लाख के इनामी मंगेश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये फेक एनकाउंटर है और मंगेश का एनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि वो यादव समुदाय से आता है, जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। आपको बता दें कि मंगेश यूपीएसटीएफ को मंगेश के पास से एक बाइक, एक बैग, 5 किलो चांदी, एक पिस्टल, तमंचा बरामद किया गया था। पुलिस प्रशासन को ये सभी चीजें मंगेश के पास से बरामद की थी। एनकाउंटर के कुछ बाद से ही जाति के एंगल पर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को घेरता हुआ नजर आया, लेकिन अभी मंगेश एनकाउंटर के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। वहीं मंगेश के परिवार में आक्रोश का माहौल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, आखिर क्या कुछ दिक्कत है? जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और तमाम सवाल खड़े हुए, खासकर समाजवादी पार्टी ने सवालों की झड़ी लगा दी योगी सरकार को घेरने के लिए, और साथ ही साथ एसटीएफ की कार्यशैली को लेकर, और जिस तरह से इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फेक बताया गया, इससे कहीं ना कहीं परिजन भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। मंगेश यादव के परिजनों से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात किया था और उसके बाद
जिस तरह से कानूनी डांपेच अब खेला जा रहा है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसको लेकर परिजनों के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं और साथ ही साथ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की गई है। इसके अलावा जो है मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में छुट्टी मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो अनसुलझे सवाल हैं और जो एनकाउंटर की बात कही जा रही है एक एनकाउंटर की, इस मामले में अब परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यूपीएसटीएफ को घेरने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत है इसे मुहैया कराया जाना चाहिए या नियम कानून भी कहता है। और गजेंद्र सिंह ने जिस तरह से अब चिट्ठी पर चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी है, ऐसे में अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगेश यादव की परिजनों को कब मिलती है या समय बताएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सियासत को और भी हवा मिल रही है और इस तरह से जो परिजन है मंगेश यादव की बहन है, माँ है और पिता है, वह लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दांव पेच फंसा है और इस मामले में अगला कदम यूपी पुलिस का क्या होगा, एसटीएफ का क्या होगा, या देखना बाकी है। जी आसिफ, कभी भी एनकाउंटर होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाती है, आखिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक दी जाती है और यहाँ पर 10 दिनों का समय हो गया, क्या और भी समय लग सकता है प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों तक को सौंपने में, और भी समय लगेगा क्या? देखिए जो जानकारी है एक हफ्ते के अंदर अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहता है तो उसे मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले जाने का भी बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया था और यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में जिस तरह से मंगेश यादव को सटाकर उसे मारा गया, अखिलेश सटाकर, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल काली है। हालांकि जिस तरह से डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश और साथ ही साथ एडीजी जोन लखनऊ एसपी सिरोडकर ने ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस डकैती कांड में एनकाउंटर को लेकर सफाई पेश की थी, यह सफाई कहीं ना कहीं परिजनों के गले नहीं उतर रही है और यही वजह है कि परिजन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर परिजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो कई अनसुलझे सवाल भी सुलझ सकते हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इस मामले पर सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है और तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मिलना परिजनों को जरूरी है और उसका इंतजार भी है और यही वजह है कि अब मंगेश यादव के परिजनों ने कानूनी सहारा लेना शुरू कर दिया है। अधिवक्ता गजेंद्र यादव के जरिए डीजी बिल्कुल सिर्फ एक हफ्ते का समय होता है जब परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपना होता है, अभी तक नहीं सौंपा गया है, 10 दिन बीत गए हैं, ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कह रही है कि आखिर क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सौंपने में इतनी देरी? में जिस तरह से लिखा पड़ी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गई है, इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ना ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कोई बयान दिया था। तो ऐसे में जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को नहीं मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो है परिजनों की जो आशंका है फेक एनकाउंटर की वह भी प्रबल होती नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सारे सबूत दिखाए कि मंगेश यादव भी जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, ऐसे में अभी तक 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है, ऐसे में परिजनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपने का बनाए रखिए।
खबरों बढ़ते आगे, खबर बांदा से आ रही है जहां माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का ये पूरा मामला है। मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि, मौत के कारणों को लेकर हुई थी मजिस्ट्रियल जांच। डीएम की अध्यक्षता में एडीएम बांदा ने की थी जांच। मुख्तार के परिजनों को नोटिस भेजने के बाद नहीं आया जवाब। मौत के कारणों में आपत्ति सबूत को लेकर दिया था समय, लेकिन मुख्तार अंसारी के परिजन ने नहीं दिया है जवाब। करीब 10 दिन पहले यूपी शासन को सौंपी गई है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत की पुष्टि 28 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल में हुई थी मौत। तो डीएम की अध्यक्षता में एडीएम बांदा ने ये जांच की थी। आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने की वजह से हुई है, लेकिन अब रिपोर्ट, मजिस्ट्रियल रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीते 28 मार्च को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल में मौत हो गई थी, जिसके बाद से सियासत खूब की जा रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है, तो जहर खाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। ऐसे में मुख्तार के परिजनों ने जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब मजिस्ट्रियल जांच में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। तो लगातार स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया जा रहा था सियासी विपक्षों के द्वारा उत्तर प्रदेश में, और अब मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है। पहले भी ये कहा जा रहा था शुरुआती जांच में कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर यही दावा किया गया था। उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन मुख्तार के परिजन लगातार जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन देने का आरोप लगा रहे थे, और अब मजिस्ट्रियल जांच हुई जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और कहा गया है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। तो इस मामले में जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। तो मौत की असली वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, ना कि स्लो पॉइजन। लगातार इस तरीके से मुख्तार अंसारी के मौत पर सियासत खूब की गई। तो अब मुख्तार अंसारी के मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है, बताया गया है रिपोर्ट में कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ना कि स्लो पॉइजन देने की वजह से। खबरें बढ़ते आगे, गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन भी दिया और कहा, कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से जो सीखेंगे वो मानवता की भलाई में काम आएगा। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का फोर्थ एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है,
भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। खबरों बढ़ते आगे। फतेहपुर में लापता छात्रा के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्रा के सिर को कूच कर उसकी हत्या की गई। अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। रेप के बाद छात्रा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो छात्रा के सिर को कूच कर उसकी हत्या की गई, रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। फतेहपुर का यह पूरा मामला है जहां कोचिंग के लिए निकली छात्रा के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। वही खबर बिजनौर से है जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लग गई है। इस दौरान कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते देखते आग पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले ली। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और फिर एकदम से गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 2 लोग सवार थे। किसी का कोई जानहानि तो नहीं हुई? नहीं। कौन सी गाड़ी थी ये? खबरें बढ़ते आगे। अमेठी में आदमखोर जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं जंगली जानवर के आतंक से अभी 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गांव के लोग जंगली जानवर की आहट सुनकर भयभीत हो गए हैं। इस स्थिति की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन विभाग ने इस मामले में उदासीनता दिखाते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थिति यह है कि कल सुबह भोर में लगभग 4 से 5 के बीच जंगली जानवर आया और 2-3 लोगों के यहाँ आक्रमण किया। कालू गोपुरवा में इनके गिरिजा शंकर तिवारी के यहाँ इनकी पत्नी आरती को काटा। बगल में पूरे आश्रय तिवारी कपूरवा है, वहाँ अखिलेश शुक्ला पंडित हैं, उनको काटा। और उसके बाद ये लोग जब आ करके जानकारी हुई तो पता लगा कि गेहुआ कलर का थोड़ा बड़े जबड़े का और बड़े दांत वाला जानवर था। आज ये स्थित पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस गांव से, कई गांव से फोन आया रात में हमको। सारे लोग भयभीत हैं, पूरा भय का माहौल है। बच्चे अब घर से, कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए बच्चों को बिल्कुल भेज नहीं रहा है। हर आदमी अपने बच्चों को अंदर कर दिया है। बच्चे भी डर गए हैं और बड़े लोग भी डर चुके हैं। अब लोग समूह में निकल रहे हैं, लाठी डंडों के साथ निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि प्रशासन इसकी देखरेख करे और क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा के जरिए और जैसी भी व्यवस्था उनकी हो उसके जरिए थोड़ा निगरानी करे और इस आतंक से मुक्ति दिलाए, नहीं तो बच्चे तो भाई स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। खबरें बढ़ते आगे। गोविंद नगर क्षेत्र की राधा आर्चिड कॉलोनी में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर व्यापारी के घर में डकैती का प्रयास करने वाले गैंग की महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गैंग के मुखिया को पूर्व में ही फरीदाबाद से गिरफ्तार कर चुकी है। गैंग मुखिया की निशानदेही पर पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। वहीं मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र स्थित गांव मिर्जापुर में 12 सितंबर को युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। युवक के ज्यादा खर्च से परेशान होकर उसके पिता ने ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी देहात के अनुसार मृतक बेटे ने विवाद के चलते अपने पिता पर कुछ दिन पहले तमंचा तान दिया था। इसी से नाराज पिता काफी समय से बेटी की हत्या की फिराक में था। मौका लगते ही 12 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद किया गया है।
मेरठ के थाना रोटा में एक दर्दनाक हत्या की गई थी। हत्या का आज खुलासा किया गया है। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसपी रियाज। सर, हत्या हुई थी, क्या आपको खुलासा किया गया? ये थाना रोहटा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव मिर्जापुर है, जहां पे रहने वाले एक प्रवेश कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की खबर आई थी 12/13/2024 की रात में। मौके पर जांच की गई तो मामला इसमें ये निकल के आया कि इसके पिता के द्वारा एक गांव का एक मकान बेचा गया था, जिसमें से लगभग 2 लाख रुपए ये जो पुत्र है जिसकी जिसका मर्डर हुआ था, ये उसको अपनी गलत आचरण, अपनी बुरी आदतों की वजह से वो करीब 2 लाख रुपए अनाप शनाप खर्च कर दिया था, जिसको लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ करता था। और विवाद के बाद की आगे वो अपना हिस्सा भी मांगता था कि हमारा हिस्सा दे दीजिए जमीन में और जायदाद में जो भी है। इस चीज को लेकर काफी दोनों लोगों के बीच विवाद था। पिता क्षुब्ध थे, उनका कहना था कि ये आगे इसी तरह से और हमारा तो सर्वनाश कर डालेगा। इसको लेकर उन्होंने डिसाइड किया और तमंचे से गोली मार दिया था, जिससे ये घटना कारित हुई। मौके से जो घटना में प्रयुक्त तमंचा है वो भी बरामद किया गया है, खोखा कारतूस वो भी बरामद किया गया है, और जो ब्लड लगे हुए पिता के कपड़े हैं वो भी बरामद किया गया। आज इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अच्छा सर, ये कब से प्लानिंग कर रहा था इसका बाप जो उसने एकदम हत्या की है? क्या इसमें आपस में इनका विवाद होता रहता था या क्या कुछ था सर? अभी विवेचना के मध्य ये प्रकाश में आया है कि करीब 15-20 दिन से ये विवाद ज्यादा जोर ले रहा था, क्योंकि पैसा तो वो काफी समय से खर्च कर रहा होगा, लेकिन ये आया कि 15-20 दिन से ज्यादा क्षुब्ध था। और जिस रात्रि को घटना हुई उसके पहले शाम को भी इनके बीच विवाद हुआ था, और उस दिन जो आरोपी है उसने डिसाइड किया कि आज इसको समाप्त कर देना है, ताकि आगे कोई ऐसी स्थिति हमारे खानदान में ना आए। अच्छा सर, हत्या की जो वारदात थी पूरी, क्या ये सीसी फुटेज में कैद थी सर? नहीं, ऐसा वहां पे सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगा था, लेकिन जांच के दौरान आसपास कुछ सीसीटीवी लगे हुए थे, जिसको पुलिस ने देख के इत्मीनान किया जांच के मध्य कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया था बाहरी, और ये सब चीजें देखी गई। तो इन्वेस्टिगेशन में उन सीसीटीवी फुटेजेज का काफी योगदान रहा। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी रिहाद, जिन्होंने बताया है कि जो बाप था, बाप और बेटों के बीच को लेकर के काफी विवाद चलता आ रहा था, जिसके चलते बाप ने बेटे की हत्या की थी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विकसित शहरों में से एक नोएडा में जुर्म बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 137 से आया है, जहां मेट्रो स्टेशन के नीचे दो पक्षों में हो रहा विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी। युवक ने गोली बेहद पास से सीधे सिर में मारी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। नोएडा के पॉश इलाके के बीच सड़क पर हुई इस घटना से पूरा शहर सदमे में। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, सतत संवाद और सभी वर्गों से मिल रहे सहयोग का ही यह परिणाम है कि हाल के सालों में सभी पर्व त्योहार प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे। उन्होंने कहा कि बेहतर टीम वर्क और जन सहयोग का यह क्रम सतत रूप से जारी है। खबरें बढ़ते आगे। रायबरेली में बीती सर्दियों के दौरान 200 से ज्यादा गौवंशों की ठिठुर कर हुई मौत के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि कुछ लोग गौवंशों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार है, तो कुछ मौत के बाद गौवंशों को असम्मानजनक तरीके से निस्तारित करने के आरोपी है। मामला जगतपुर ब्लॉक के धूता गांव का है। यहां सरकारी खर्च पर संचालित अस्थायी गौशाला में बीती 24 से 25 जनवरी को लगभग 250 गौवंशों की भीषण ठंड के चलते ठिठुर कर मौत हो गई थी। आरोप है कि इन गौवंशों की मौत को छिपाने के लिए धूता ग्राम प्रधान बलराम यादव ने चुपचाप इनकी खाले अपमानजनक तरीके से उतरवाई और बिना पोस्टमार्टम के ही उन्हें गड्ढा खोद कर निस्तारित कर दिया। मामले में ग्रामीणों ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके आदेश पर गौशाला संचालन समिति के जिम्मेदारों, ग्राम प्रधान, वीडीओ, बीडीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी समेत असम्मानजनक तरीके से गौवंशों को निस्तारित कर रहे 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
वहीं खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत पर हड़कंप मच गया है। बता दें कि अधेड़ की मृतक अवस्था में चारपाई पर शव मिला है। सुबह मृतक अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ देखा गया, परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार शराब के नशे का आदि बताया जा रहा है युवक। सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरी गांव की ये पूरी घटना है। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।